बाहर आवाज है आप लोगों तक? तो अज़ीज़ाने गिरामी, यह है इस्लाम में गुलामी का मेयार। लोग इस्लाम को समझे नहीं, इसलिए कि बादशाहों की यहां गुलामी देखी है, बादशाहों की यहां गुलामी देखी है। मुस्लिम बादशाहों की यहां गुलामी देख के आपको इस्लाम में गुलामी का मेयार समझ में नहीं आएगा। आप अहले बैत के घर में गुलामी देखिए तो समझ में आएगा। और यह बात सिर्फ अली तक नहीं है, इमाम रज़ा की वली अहदी का दिन है। मामू रशीद ने, जो बादशाह था, इमाम के आनर में दावत की है रात को, हजरत के आनर में रात की दावत है। शाही महल का हाल, बड़े बड़े लोग, एक से एक मालदार, जिनके दस्तों बाजू पर हुकूमत चलती है, जाहिर है जो बादशाह के डिनर में इनवाइट हों वो कैसे लोग होंगे? फुटपाथ के लोग थोड़ी होंगे, बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े लॉर्ड्स, बड़े बड़े फौज के अफसर, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव अफसर, ऐसे ही लोग जाते हैं। साहब इन्वाइट है, इमाम की आनर में दावत, यहां से वहां तक लंबा दस्तरखान बिछा, मुख्तलिफ किस्म के अनवाओ साहब के खाने चुने, सदर महफिल में इमाम तशरीफ रखते हैं, इसलिए कि उन्हीं की आनर में दावत है। आपके पहलू में बादशाह बैठा है, खाना चुन दिया गया है, और चूंकि शाही दावत है लिहाजा मुलाजमीन की, सर्विस करने वालों की कमी तो है नहीं। यहां हमारे यहां एक आध अटेंडेंस है कि बेचारा वो वही पानी लेने दौड़ रहा है, वही प्लेट ला रहा है, वही सालन निकाल के ला रहा है, ये तो वहां है नहीं। शाही दावत है, हर आदमी के पीछे गुलाम खड़ा है हाथ बांधे हुए सर्विस के लिए। अगर दस्तरखान पर 100 आदमी हैं तो हर आदमी के पीछे गुलाम हाथ बांधे खड़ा है सर्विस के लिए। अब खाना रखा है और हजरत बैठे हैं और हर एक की निगाह हजरत के दस्ते मुबारक पर है कि खाने की तरफ हाथ बढ़े तो हमारा भी हाथ बढ़े। कुछ जरा दस्तूर से ज्यादा 2-1 मिनट की ताखीर हुई, दस्तूर से ज्यादा 2-1 मिनट की ताखीर हुई तो मामून ने बड़े एहतराम से कहा, या रसूलल्लाह, सब आप ही के मुंतजिर हैं, आप खाना नोश करें तो ये लोग भी खाएं। पर जैसे ही उसने कहा, यही कहलवाना चाहते थे इसीलिए देर लगा रहे थे, जैसे ही उसने कहा कि सब आपके मुंतजिर हैं, आप हाथ बढ़ाएं नोश करें तो लोग नोश करें। एक दफा सर मुबारक उठाया और यूं खड़े हुए लोगों को देखा, कहा ये लोग जी जी सरकार, ये गुलाम है, देखा हमने, ये शामशाहियत है, ये शहनशाहियत है कि हम खा रहे हैं गुलाम सर्विस के लिए हाथ बांधे खड़ा है। मैं चाहता हूं कि बच्चों को आंखों से फर्क दिखा दूं ताकि उनको ये न रहे जहन में उलझन न रहे, समझे आप, ये शहनशाहियत है, गुलाम हाथ बांधे खड़े हुए हैं, चुना हुआ दस्तरखान, आला दर्जे की गिजाएं, बड़े लोग खाएंगे, गुलाम सर्विस के लिए होता है, ये थोड़ी होता है कि वहां उसको बाद में जो बच्चे खुचेगा ये खाएगा, गुलाम है उसकी क्या हैसियत है। यह है शानशाहियत। अब आइए देखिए इस्लाम, ये तो आपने शानशाहियत का जलवा देखा ना, अब इस्लाम का जलवा देखिए। फरमाया ये लोग, ये गुलाम है, क्या मुसलमान नहीं? कहा नहीं नहीं नहीं, सब सब मुसलमान। कहा आओ भाई, आओ भी बैठो, हमारे जब की ये तालीम नहीं है, आओ आओ। आओ भाई आओ,
बैठो 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 बैठो, हर एक के पहलू में गुलाम बिठाया। यह इस्लाम। और बात ऐसी कह दी कि कोई बिगड़ के अगर दस्तरखान से उठे तो खाली दस्तरखान से न उठे, इस्लाम से उठे। हाँ, खाली ये नहीं कि हम दस्तरखान से उठ गए, क्या हमारे जद की तालीम ये नहीं है? देखा हमने, ये सीरत रसूल है, वो शानशाहियत थी, ये सीरत रसूल है। आप समझे इस्लामी अहले बैत क्या है और मुलुकियत का इस्लाम क्या है? अब तो जनाब हर एक नवाब के पहलू में और हर एक लॉर्ड के पहलू में और हर एक अफसर के पहलू में जैसा गुलाम बैठा, तो भैया खाया होगा उन्होंने। अब ये जो बड़े लोग बैठे थे, खुदा जाने इन्होंने खाना खाया कि खाने में इनको खाया। क्या अंजाम हुआ? लेकिन ये मैंने इसलिए मिसाल आपके सामने, वाकया है, मिसाल क्या वाकया है, ये तो वाकया सुना दिया तारीखी, ताकि आपको एक ही मंजर में दोनों नजर आ जाए, बादशाहत भी और नबूवत भी। तो अजीरान गिरामी, रसूल एक दवा लाए, बात हमारे रखे क्या वो इधर उधर न हो जाए, जिस दवा का नाम इस्लाम था, ना उसमें जुल्म है, ना उसमें फसाद है, ना उसमें मारपीट है, ना उसमें दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश है, ना उसमें किसी को सताना है। अजीजान गिरामी, ये सियासत के करिश्मे होते हैं कि जिस न्यूज को चाहा हाईलाइट किया, जिस तरह चाहा, और जिसका चाहा ब्लैकआउट किया। मुसलमान तो दूसरे को जीने नहीं दे सकता, मुसलमान तो दूसरे को देख नहीं सकता, मुसलमान तो को एग्जिस्टेंस का कायल नहीं है। ये आवाजें आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? दुनिया में अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, दुनिया से बाखबर है कि बेखबर है? ये क्या है? ये कुरान को भुला देने की बात है। आप मस्त हो रहे हैं शहंशाहों के किस्सों में, आपको बादशाह अच्छे लग रहे हैं, इस्लाम पर इल्जाम लग रहे हैं, धब्बे लग रहे हैं। आप कुरान पढ़िए, इस्लाम बाबर और हुमायूं नहीं समझाएंगे, इस्लाम महमूद गजनवी नहीं समझाएंगे, इस्लाम ऑटोमन टर्क्स नहीं समझाएंगे, इस्लाम कुरान समझाएगा। ऑथेंटिक बात किसी बादशाह की नहीं है, ऑथेंटिक बात कुरान की है। कुरान पढ़िए, आज भी कुरान रखा है मस्जिद में, पढ़ लीजिए, पढ़ते हैं लोग, मगर पढ़ते हैं। अल्लाह मुझे माफ करे, अहले बैत की अदावत ने आंखों पर ऐसे पर्दे डाले हैं कि गौर नहीं करते हैं। पढ़िए, और मैं ऐसा सूरा पढ़ता हूं जो 90% मुझ में को याद होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून, कोई तावील की गुंजाइश ही नहीं। ऐ रसूल कह दीजिए क्या है काफिरों, ये तो कहते हैं ना भाई, अपने सिवा दूसरे को नहीं देख सकते। कुरान क्या कह रहा है वो सुनिए, कौल या अय्युहल काफिरून, ऐ रसूल कह दीजिए क्या है काफिरों, ला अबुदु मा तअबुदून, हम उसकी इबादत नहीं करते जिसकी तुम करते हो, जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी इबादत हम नहीं करते। तुम पत्थरों को पूछते हो, तुम दरख्तों को पूछते हो, तुम दरियाओं को पूछते हो।